गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आपको हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर है पैक्ट विद द सन, उसके पहले लेसन जिसका नाम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, के दो पक्षियों की कहानी, उसकी ट्रांसलेशन जो है मैं आपको आज बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से उस लेसन को देखते रहें और जो है ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनते रहें। ये लेसन्स मैंने आपको पहले भी दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी दिए थे, दो लेसन्स, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे, लेकिन मैं फिर से आपके लिए इसको रिवाइज कर रहा हूँ और इसकी ट्रांसलेशन आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। इसमें जो है आपको दो जुड़वा पक्षियों की कहानी बताई जाएगी कि वो किस प्रकार से अलग अलग जगह परवरिश पाते हैं, बड़े होते हैं और कैसे उनका स्वभाव बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से लेसन के। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक पक्षी और उसके दो नवजात बच्चे एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall, shady, and there the mother bird took care of her little ones day and night. उनका घोंसला एक लंबे छायादार पेड़ में था और वहाँ वो जो माँ पक्षी थी, माता थी उन पक्षियों की, वो अपने छोटे बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी। One day there was ए बिग स्ट्रॉम, एक दिन वो एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। वह बहुत गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और बारिश थी और हवा ने जो है बहुत सारे पेड़ों को उड़ाकर गिरा दिया था। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, वो बड़ा पेड़ जिसमें पक्षी रहते थे वो भी उखड़ गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड, एक बड़ी और भारी शाखा घोंसले से टकराई और पक्षी को मार दिया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, भाग्यवश उन छोटे पक्षियों को एक बहुत तेज हवा जो है वो जंगल के दूसरी तरफ उड़ा ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, उनमें से एक गुफा के पास नीचे आया जहाँ एक लुटेरों का समूह या गैंग रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे, और दूसरा जो है वो एक कुछ दूरी पर एक ऋषि के आश्रम के पास नीचे उतरा। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, दिन बीत गए और वो छोटे पक्षी बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार के लिए आया। ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने एक हिरन को देखा और उसका पीछा किया। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, और वो जो है जंगल में गहराई में भाग गया और राजा उसके पीछे। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज, जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल गया, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ था। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वो लंबे समय तक चलता रहा अपने घोड़े पर जब तक कि वो जंगल की दूसरी तरफ नहीं पहुंच गया।
वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर ए केव। अब तक बहुत थका होने के कारण वो अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो कि एक गुफा के पास था। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, अचानक से उसने एक चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, जल्दी जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और उसके जवाहरात और उसका घोड़ा ले लो। हरी और एल्स ही'ल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा हैरान था। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उसने ऊपर देखा और एक बड़ा सा भूरे रंग का पक्षी उस पेड़ पर देखा जिसके नीचे वो बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इश्यूइंग फ्रॉम द केव, उसने गुफा से आते हुए बहुत धीमे धीमे शोर भी सुनाई दिया। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा और जितना तेजी से वो भाग सकता था भागा। अब जो है आगे स्टोरी में आएगा कि जैसे राजा ने वैसी ही आवाज़ फिर से सुनाई दी और फिर अब उसे पता चलेगा कि असलियत में क्या इनकी कहानी थी पक्षियों की, देखते हैं। सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, जल्दी ही वो एक खुली जगह पर आ गया जो एक आश्रम की तरह दिखाई देती थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, राजा ने अपने घोड़े को पेड़ से बांध दिया और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक से उसे एक बहुत ही प्यार भरी अच्छी आदर भरी आवाज़ सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम सर, श्रीमान आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आएंगे। There's some cold water in the pot, घड़े में कुछ ठंडा पानी है। Please make yourself comfortable, कृपया अपने आप को आरामदायक बनाएं, महसूस करें। The king looked up and saw a big brown bird in the tree, राजा ने ऊपर की तरफ देखा और एक बड़ा सा भूरे रंग का पक्षी पेड़ में देखा। He was amazed, वह हैरान था। This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly, उसने अपने आप से जोर से कहा कि ये तो उस गुफा के बाहर वाले पक्षी की तरह ही दिखाई दे रहा है। You are right sir, answered the bird, पक्षी ने जवाब दिया, आप सही हैं श्रीमान। He is my brother, but he has made friends with robbers, वह मेरा भाई है लेकिन उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली। He now talks as they do, वह अब उनकी तरह ही बोलता है। He doesn't talk to me anymore, वह मुझसे भी अब बात नहीं करता है। Just then the Rishi entered the ashram, तभी ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, स्वागत है श्रीमान, उसने राजा से कहा। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, कृपया अंदर आइए और अपने को घर के जैसा महसूस कीजिए। यू लुक टायर्ड,
आप थके हुए लगते हैं, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ खाना ले सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ मच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी बताई और बताया कि वो दोनों ही एक जैसे दिखने के बाद भी किस प्रकार से इतना अलग अलग व्यवहार कर रहे थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, उसने कहा कि जंगल आश्चर्यों से भरा है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, साधु मुस्कुराया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि आखिरकार कोई भी अपनी संगत से जाना जाता है जो संगत वो रखता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस पक्षी ने हमेशा लुटेरों की बातें सुनी हैं। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, वह उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने के बारे में बातें करता है। दिस वन हैज रिपीटेड वाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, जो उसने हमेशा सुना है वही उसने वह दोहराता था। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और भी बताऊंगा। तो ये था बेटा पूरा स्टोरी, पूरी कहानी, इसकी मैंने आपको ट्रांसलेशन हिंदी में बताई है। अब जो है इसके पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, कि दो वो बच्चे पक्षी थे वो किस प्रकार से अलग हो गए थे। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके लेसन में ही मिल जाता है, कैसे कि द टू बेबी बर्ड्स वर सेपरेटेड बाय ए बिग स्टॉर्म, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, ये लाइन है यहाँ पे, ये जो पहला आपका पहरा है इसी में आपको इस पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम, के उन दोनों को कहाँ घर मिला, वो भी पहले के पहरे में ही है कि वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव ऑफ रॉबर्स एंड द अदर वाज केम डाउन नियर ए एंड द अदर केम डाउन नियर नियर और यू कैन से आउटसाइड ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। इस क्वेश्चन का ढंग से मैं आपको आंसर बोलता हूँ, ये जो है वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। ये जो है ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, पहले पक्षी ने अजनबी को क्या कहा, ये बात हम देखते हैं आके जो है तीसरे पहरे में, कैसे के द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर दैट इन ए दैट क्विक, ये ना कि क्विक हरी अप देयर समवन अंडर द ट्री कम एंड टेक हिज ज्वेल्स हिज हॉर्स हरी और एल्स हिल स्लिप अवे। यहां से ये जो है आपका ये जो बातें थी वो पहले पक्षी ने
जो है अजनबी को कही थी। तो यहाँ से हम उस तीसरे क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम, कि दूसरे पक्षी ने उसको क्या कहा। ये आगे चलते हैं हम इस थर्ड के बाद फोर्थ पैराग्राफ में, वहाँ आता है ये क्या है। सेकंड बर्ड सेड टू हिम, वेलकम टू द आश्रम सर, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। ये जो है फोर्थ, इसमें इन लाइनों में आपको इसके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। ये जो बातें थी वो दूसरे पक्षी ने उसे कही थी। अब है पांचवा क्वेश्चन। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड, कि ऋषि ने किस प्रकार से वर्णन किया कि उन तरीकों का जिसमें वो दोनों पक्षी अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे थे। तो ये बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में बोलता है ना, द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, ठीक है। तो यू कैन से द ऋषि एक्सप्लेन, या और यू कैन से कि द ऋषि सेड, द ऋषि सेड, और पूरा यही लाइन भी ले सकते हैं हम, द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि आखिरकार कोई भी अपनी संगत से जाना जाता है जो संगत वो रखता है। अब है सिक्स्थ क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, कि इनमें से जो है सब कौन सी लाइन है तीन लाइनों में से जो इस कहानी को बेहतर तरीके से जो है पूरा करती है। फर्स्ट है ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, दूसरा है वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एंड द थर्ड इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। तो इसमें आपको सीधा सीधा पता चल जाता है कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है। स्टोरी में ये बताया गया है कि कोई भी अपनी संगत से ही पहचाना जाता है, संगत का असर हर किसी पर होता है। तो जो सेकंड है वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स सम्स अप द, दिस लाइन सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। ओके बच्चों, अभी मैंने आपको जो है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स लेसन की ट्रांसलेशन बताई, उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में कुछ बताया। अब मैं एक बार इसी स्टोरी को हिंदी में आपको इसका सार बता देता हूँ, ताकि आपको ये कहानी कुछ और अच्छे से समझ आ सके। तो ये कहानी है दो पक्षियों की। एक बार एक पक्षी, एक मादा पक्षी, माँ पक्षी जो है वो अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक जंगल में एक बड़े से छायादार और भारी पेड़ के बीच घोंसला बनाकर रहती थी। वहीं वो उनकी दिन रात देखभाल करती थी। एक दिन एक बहुत भयंकर तूफान आया, बहुत गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही थी, बहुत तेज बारिश थी और बहुत तेज आंधी चल रही थी, कि बहुत तेज आंधी ने बहुत से पेड़ों को उखाड़ दिया। और जिस बड़े पेड़ में उन पक्षियों का घोंसला था वो पेड़ भी उखड़ गया, और एक बहुत ही भारी शाखा जो है वो जोर से उनके घोंसले से टकराई। घोंसले से टकराते ही जो है बड़े पक्षी की मौत हो गई, लेकिन भाग्यवश वो दोनों जो छोटे पक्षी थे, बच्चे थे, उन्हें हवा जो है जंगल के दूसरे कोने की तरफ उड़ा ले गई। और उनमें से एक पक्षी जो है वो एक लुटेरों की गुफा के पास नीचे जमीन पर पहुंचा, और दूसरा उससे कुछ दूरी पर एक आश्रम के अंदर पहुंच गया। समय बीतता गया और दोनों छोटे पक्षी बड़े बड़े पक्षी बन गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार के लिए जंगल में पहुंचा।
उसने एक हिरन देखा और उसने उसका पीछा किया। वह हिरन जो है घने जंगल में भाग गया और उसके पीछे पीछे राजा भी चला गया। लेकिन जल्दी ही राजा अपना रास्ता भटक गया और वो भूल गया, उसे नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ था। वो बहुत देर तक घोड़े पर सवारी करता रहा, चलता रहा। बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद वो एक गुफा के पास एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, क्विक हरी अप, जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे है, उसके जवाहरात और उसका घोड़ा छीन लो। यह सुनकर राजा एकदम से हैरान हो गया। उसने ऊपर पेड़ की तरफ देखा तो उसने उस पेड़ में एक भूरे रंग का बड़ा सा पक्षी दिखाई दिया। राजा बहुत हैरान था। राजा को धीमे धीमे गुफा से भी शोर सुनाई दिया तो वह तुरंत उठकर अपने घोड़े पर बैठा और जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज भाग गया। कुछ देर के बाद वो एक खुली जगह में पहुंच गया जो कि एक ऋषि का आश्रम था। वहां उसने एक पेड़ से अपने घोड़े को बांध दिया और उस पेड़ की छाया में बैठ गया। तभी उसको एक आवाज़, एक बहुत ही नम्र आवाज़ सुनाई दी कि आपका स्वागत है श्रीमान, कृपया आप अंदर जाकर विश्राम कीजिए, ऋषि जो है वो जल्दी ही आने वाले हैं। वहाँ एक घड़े में कुछ ठंडा पानी भी है, आप जो है आराम कीजिए, अपने आप को जो है आरामदायक महसूस कीजिए। राजा ने ऊपर की तरफ देखा पेड़ में तो उसे फिर से बिल्कुल वैसा ही एक भूरे रंग का बड़ा पक्षी दिखाई दिया। अब राजा और भी हैरान था। उसने बड़ी जोर से अपने आप को कहा कि ये तो बिल्कुल उसी पक्षी जैसा दिख रहा है जो गुफा के बाहर पेड़ पर देखा था। तभी पक्षी बोला कि आप सही कह रहे हैं सर, वह मेरा भाई है, वो उसने जो है लुटेरों के साथ दोस्ती कर ली थी, लुटेरों को अपना दोस्त बना लिया था, इसीलिए वो उनके जैसी ही बातें करता है और अब वो मुझसे भी बात नहीं करता है। तभी ऋषि जो है वो आश्रम में आ गए और उन्होंने राजा का स्वागत किया कि आपका स्वागत है, आप थके हुए लगते हैं तो आइए विश्राम कीजिए और उसके बाद आप मेरे साथ कुछ भोजन कर लीजिए। लेकिन राजा हैरान था तो उसने ऋषि को उन दोनों पक्षियों के बारे में बताया, उस कहानी के बारे में कि किस प्रकार से वो बिल्कुल एक जैसे होने के बावजूद भी अलग अलग व्यवहार कर रहे थे। तो तभी जो है ऋषि मुस्कुराए ठीक और उन्होंने उसे कहा कि हे राजा, कोई भी अपनी संगत से जाना जाता है जिस संगत में वह रहता है, इन पक्षियों के साथ भी ऐसा ही है। एक पक्षी लुटेरों के साथ रहता है, उनकी बातें सुनता है तो उनकी नकल करता है और उन्हीं की तरह बोलता है और लोगों को लूटने की बातें करता है। लेकिन यह दूसरा, ये मेरे पास हमारे पास आश्रम में रहा है तो ये हमारी तरह बातें करता है और लोगों से अच्छे से बात करता है, उनका स्वागत करता है। तो फिर ऋषि कहते हैं कि आइए आप भोजन करके विश्राम कर लीजिए, फिर अब इस जंगल और इन पक्षियों के बारे में आपको और भी बहुत सी बातें बताऊंगा। इस प्रकार से यह कहानी है। इस कहानी में बच्चों एक बहुत अच्छा संदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जो है वो अपनी संगत से ही पहचाना जाता है, यानी कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, हमें बुरे व्यक्तियों से, बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इस लेसन को आप दोबारा, मैंने आपको ये सारा बताया है तो कृपया इसको और ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई समस्या महसूस होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।